मार्केट आज हम आपके लिए बनाएंगे चिकन कोरमा, और जो बनाने में बहुत आसान और लजीज और झटपट बनने वाली रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए 1 केजी चिकन, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धड़ा मिर्च, 1 चम्मच जीरा और सूखा धनिया, 1 चम्मच हाफ चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 तेज़पात, दालचीनी, 2 इलायची, 3 लौंग और 6 से 7 काली मिर्च, 1/2 प्याली दही, 4 दरमियाने साइज के प्याज बारीक कटे हुए। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप तेल, 1/2 कप। गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अब हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे और दही के साथ ग्राइंड करेंगे। प्याज हमारा भी हो रहा है और इसे मजीद करेंगे अभी गोल्डन ब्राउन। हमारा प्याज हो गया है लाइट ब्राउन, अब हम इसे निकाल लेंगे बर्तन में। अब उसी ऑयल में हम साबुत गरम मसाले डालेंगे। और इसके एक दो मिनट के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। अब हम इसको तेल में फ्राई करेंगे इसके कलर चेंज होने तक। इस स्टेज पे अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, हल्दी, नमक, जीरा और सूखा धनिया, धड़ा मिर्च और लाल मिर्च और गरम लाल मिर्च और गरम मसाला। और इसको हम कर लेंगे अब मिक्स। अब हमने मसाले को 2 से 3 मिनट भून लिया
और अब इसमें हम डालेंगे दो साबुत सब्ज मिर्च और दो से तीन कटी हुई साथ ही हम इसमें प्याज और दही का मिक्सचर शामिल करेंगे और अब हम इसको करेंगे मिक्स और अब हम इसमें हाफ कप पानी डालेंगे और दम पे लगा देंगे। अब तकरीबन 5-6 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि चिकन गल गया है। गाइस हमारा चिकन आयल ऊपर आ गया है, मतलब हमारा चिकन कोरमा तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया, सब्ज मिर्च और अदरक, जुड़ियन, हाफ लेमन, इसमें निचोड़ेंगे